एक ऐसी शख्सियत आपके सामने पेश होने जा रही है जो गौ माता के लिए इन्होंने बहुत बड़ा हमारे देश भर में उदान देने जा रहे हैं, क्योंकि गौ माता को लेकर आज राजनीतिक हो चाहे धार्मिक हो, दोनों में गौ माता को लेकर उठापटक का मामला चलता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें एक स्वार्थ जुड़ा होता है। लेकिन आज हम कैमरे पर जो आपको शख्सियत दिख रही हैं, वो शख्सियत को एक निस्वार्थ भाव से गौ माता को लेकर पूरे भारतवर्ष में पैदल यात्रा कर रहे हैं, आज हमारे बुरुंदा गांव में पहुंचे हैं। कहीं ना कहीं हम सबसे पहले इनसे जो वार्ता करेंगे, इनकी परिचय है। सर, आपका परिचय। जय गौ माता, जय गोपाल। मेरा नाम शिवराज सिंह और जयपुर राजस्थान से हैं। गांव नीम का थाना के पास सुरपुरा है और बेसिकली रहना जयपुर में हुआ है, एजुकेशन वगैरह सब जयपुर में हुआ है। कहीं ना कहीं आपके बारे में एजुकेशन की बात की जाए तो सबसे पहले सर, एजुकेशन आपकी क्या रही है, क्या आपका एजुकेशन पैसा क्या रहा? मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ जी। उसके बाद मैं 5 साल जॉब भी की है जी, और वहीं जयपुर में की थी जी। आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर से ऐसे आपके दिमाग में क्या विचारधारा आई जो तुरंत प्रभाव से आपने इसको एक काफ़ी बेहतरीन जॉब को छोड़कर आप गौ माता की ओर, आपने गौ माता को आपके दिमाग में आया, दिल में आया, आपको इसको लेकर आपने बहुत बड़ा मुद्दा अपने दिल में ग्रहण करते हुए एक सब कुछ छोड़कर पैदल यात्रा को लेकर आपने ये सब कैसे विचार आया? देखो, बचपन से ही जो घर में माहौल था, भक्ति का माहौल रहा है, उसी भक्ति के माहौल में बड़े हुए हैं, तो धार्मिक स्थानों पे आना जाना लगा रहता था। और जैसा कि सभी को पता है, गौ माता हमारे सनातन धर्म की स्तंभ है और सनातन धर्म में गौ माता के सिवा कुछ नहीं है देखा जाए तो। तो आपको मैं बताना चाहूँगा, काफ़ी राजस्थान में ऐसे देवी स्थान हैं जिनको धरती पे प्रकट करने का काम गौ माता ने किया, जिनमें से खाटू श्याम जी हो गए, श्रीनाथ जी जो नाथद्वारा में वो हो गए, करौली में है महावीर स्वामी जी, उनकी जो मैं बता रहा हूँ, इन सबकी मूर्ति को धरती से प्रकट करने का काम गौ माता ने किया है। आप यानी कि बीकानेर देशनोक जाएंगे तो वहाँ पे करणी माता के दर्शन किए होंगे, करणी माता स्वयं गौ माता को चराते थे। गुर्जर समाज की बात करें तो उसमें से देवनारायण भगवान हुए, उन्होंने गौ रक्षा की। तेजाजी महाराज हुए जाटों में से, उन्होंने देव रक्षा की, गौ रक्षा की, और गौ रक्षा करते करते अपने प्राण नौछावर कर दिए। मतलब चाहे हमारे देवी देवता हो, लोक देवता हो, उन्होंने गौ रक्षा को सर्वप्रथम रखा है जी। और आज ऐसी विडंबना हो रही है कि हम गौ माता को सिर्फ माँ, जब तक वो दूध देती है जब तक तो गौ माता कहते हैं जी। जिस दिन गौ माता ने दूध देना बंद किया उसको सड़कों पर छोड़ दिया, बेसहारा छोड़ दिया। तो गौ माता की इतनी दुर्दशा हो रही है, उन सबको देखते हुए मन में ऐसे भाव प्रकट हुए कि जब हम गौ माता के लिए कुछ प्रयास नहीं कर सकते हैं तो फिर हमारे को मंदिर में जाने का अधिकार नहीं है जी। क्योंकि एक तरफ तो हम मंदिर में जाके ढोंग कर रहे हैं और दूसरी तरफ गौ माता को प्रताड़ित कर रहे हैं। तो यदि आप गौ माता की सेवा करते हैं उसके बाद में आप मंदिर जाएँ तो बहुत अच्छी बात समझता हूँ मैं, ताकि आपकी आस्था जुड़ी रहे। लेकिन जो साक्षात जिनमें 33 कोटि देवी देवताओं को स्थान बताते हैं, हम उसको तो पूछ नहीं रहे। जो चलता फिर चलता हुआ हमारे पास में मंदिर है और मंदिरों में जाके हम ड्रामे कर रहे हैं, तो गौ माता की पूजा हो, उनकी रक्षा हो, उसके लिए एक संकल्प लेके हमने ये यात्रा प्रारंभ की। कि जैसे कि जॉब के साथ अगर यदि हम करते तो क्या करते, नियर बाई कोई भी गौशाला उसमें 2 घंटे 4 घंटे सेवा कर लेते हैं, लेकिन लोगों को जागरूक हो हम किस हिसाब से अच्छा काम कर सकते हैं गौ रक्षा के लिए। उन सभी सब्जेक्ट को लेके हमने डिसाइड किया कि एक ऐसी धर्म यात्रा होनी चाहिए जो पूरे भारतवर्ष में, जैसे हमारे धार्मिक स्थान है 4 धाम है, 12 ज्योतिर्लिंग है, उन सभी का दर्शन करते हुए इस यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। और अभी 17 महीने हो चुके हैं यात्रा को। कि महाराज जी, जैसे आपने धर्म यात्रा को लेकर पैदल यात्रा कर रहे हैं, तो ये आपने कहाँ से शुरुआत की और अब तक कितने राज्यों से आप गुजर चुके हैं और कितने किलोमीटर की यात्रा तय कर चुके हैं आप? ये यात्रा को हम 11 दिसंबर 2021 को रामेश्वरम तमिलनाडु से स्टार्ट की जी, और अभी इस यात्रा को करीबन 17 महीने हो चुके हैं और आज आपसे वार्तालाप हो रही है बुरुंदा पे। तो बुरुंदा पहुंचने में मेरे को 17 महीने हो चुके हैं और करीबन मैंने अभी 10,150 किलोमीटर का सफ़र तय किया है जी। और अभी तक का सफ़र बहुत अच्छा रहा, 17 महीने में 17 राज्यों की पदयात्रा हो गई है। 17 राज्य मैं बताना चाहूँगा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, यूपी, उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली,
राजस्थान और अब 17 राज्य हो गए, अब गुजरात की तरफ जा रहे हैं जी। कहीं ना कहीं महाराज, जैसे आपने बताया कि 17 राज्य की आपने यात्रा तय कर ली है, तो ये आपका बताया 10,000 से अधिक आपने किलोमीटर की यात्रा तय कर ली है। अब ये आपका गंतव्य स्थान कहाँ होगा और यात्रा कब खत्म होगी? अभी गुजरात की यात्रा है, महाराष्ट्र के 3 ज्योतिर्लिंग बाकी है, उसके बाद में मध्य प्रदेश, उसके बाद में मथुरा वृंदावन होते हुए ये यात्रा जनवरी 2024 में कुंभ का मेला लगेगा प्रयागराज में जी, वहाँ पे जाके यात्रा को विश्राम दिया जाएगा। आपकी यात्रा का प्रमुख मोटो क्या है, क्या उद्देश्य है आपकी यात्रा में? इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य है कि गौ माता को एक राष्ट्रीय दर्जा मिलना चाहिए, गौ माता का राष्ट्रीय दर्जा मिले जी, गौ हत्या बंद हो जी, देसी गौवंश को अधिक से अधिक बढ़ावा मिले जी, और जितनी भी ये गौशालाएँ हैं ये सभी गौशालाएँ नस्ल सुधार पे काम करें जी। नस्ल सुधार पे काम इसलिए करें क्योंकि आज गौ माता की जो दुर्दशा हुई है वो क्यों हुई है, उस सब्जेक्ट को हमें समझना पड़ेगा। हमने गौ माता को घर से बाहर निकाल दिया जी, हमने क्यों निकाला? वो दूध कम देती है। वो दूध कम क्यों देती है? क्योंकि हमने उसकी नस्लें बर्बाद कर दी जी। तो हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि गौ माता दोबारा हर आंगन में आ जाए, उसके लिए हमारे को नस्ल सुधार पे अधिक से अधिक जोर देना चाहिए जी। क्योंकि यात्रा के दौरान मैंने काफ़ी ऐसी गौशालाएँ देखी जो बहुत अच्छा भी नस्ल सुधार का कार्य कर रही हैं, और वहाँ पे व्यक्ति जाते हैं, डिमांड करते हैं, हम 50,000 रुपये ले लो, हमारे को इस गाय की बछिया दे दो, क्योंकि जो प्योरिटी वाली गाय होती है वो दिखने में भी बहुत अच्छी होती है, दूध की गुणवत्ता भी बहुत अच्छी होती है, तो लोग बाग उसको प्रीफर करते हैं। तो जब हर गौशालाएँ नस्ल सुधार का कार्य करेगी तो प्रत्येक व्यक्ति गौशाला जाके वहाँ से गौ माता को अपने घर पे लाने की प्रयास करेगा। इसलिए मेरा यही सुझाव है जितनी भी गौशालाएँ हैं कि सबको अधिक से अधिक इस बात पे गौर फरमाना चाहिए कि नस्ल सुधार पे कार्य किया जाए। राज्य केंद्र सरकार से आप गौ माता का दर्जा को लेकर आपकी क्या उम्मीदें हैं और क्या आपकी इस यात्रा में सफलता मिल पाएगी? देखो, कोई भी काम होता है उसमें जैसे कि एक व्यक्ति है जी, छोटा बच्चे को हम स्कूल में एडमिशन करवाते हैं तो हम ये श्योरिटी नहीं रहती कि वो 90% लाएगा जी। लेकिन यदि वो बच्चा स्कूल में जाएगा 40%, 50% कुछ ना कुछ तो लेके आएगा जी, जी, कुछ तो वही इस यात्रा में है कि हम अकेले कुछ नहीं कर सकते, लेकिन व्यक्ति को प्रयास करना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि मैं सब कुछ कर दूंगा मेरी यात्रा के बाद में ऐसा हो जाएगा, लेकिन हर व्यक्ति कुछ ना कुछ प्रयास करे। मैं अपने स्तर पे प्रयास करूंगा, आप अपने स्तर पे प्रयास करेंगे, सब व्यक्ति जब मिलके प्रयास करेंगे तो बहुत अच्छा बदलाव आएगा। और ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जो असंभव हो, बस हमको एकजुट होने की ज़रूरत है जी। कहीं ना कहीं ये देखा जाए केंद्र में मोदी सरकार है, मोदी सरकार हिंदू राष्ट्र को लेकर या हिंदुत्व को लेकर उनका चुनाव का मुद्दा रहा है, कई बार गौ माता को लेकर उनका चुनाव का मुद्दा रहा है, तो कहीं ना कहीं आपकी जो डिमांड है कि गौ माता को राष्ट्रीय माता का दर्जा देना या गोरक्षा को लेकर ऐसे कुछ नॉर्म्स, ऐसे कुछ कानून बने जिसको लेकर संरक्षण मिल सके, तो कहीं ना कहीं आपका ये अंदाज हो सकता है या आपका कि मोदी सरकार आपके इस गौ माता को लेकर कुछ दर्जा की संभावना मिल सकती है, आगामी चुनाव में उनका कोई मुद्दा हो सकता है? हाँ, मैं आपको बताना चाहूँगा, अभी जो 20 नवंबर 2023 को गोपाष्टमी है, उस दिन दिल्ली रामलीला मैदान में बहुत भव्य, मतलब जितने भी गौ सेवक है, संत महात्मा है, वो सभी एक विशाल धरना वहाँ पे दे रहे हैं जी। और उससे उम्मीद की जाएगी क्योंकि सभी जब संगठित होंगे तो आपकी आवाज़ को एक शक्ति मिलेगी और सरकार को झुकना पड़ेगा आपके सामने जी। तो बस एकजुट होने का सभी प्रयास कर रहे हैं और राष्ट्रीय दर्जा मिल जाए उसके बाद में भी गौ माता को कैसे हर आंगन में पहुंचाया जाए उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। कहने के आप लोगों ने महाराज जी से ये सुना होगा कि गौ माता को लेकर आपने अथक प्रयास किया, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर से तमाम जो सुविधाओं को छोड़कर 28 वर्षीय युवा संत आप गौ माता को लेकर, गौ माता की जो करुणावर्ती जो स्थिति थी, दयनीय स्थिति, उसको अपने दिल में उतार कर उसको अच्छा दर्जा दिलाने को लेकर, संरक्षण को लेकर केंद्र सरकार से ये मांग रखी जाएगी और आज भारतवर्ष में ये पैदल यात्रा कर रहे हैं जो अगले साल तक इनकी चलेगी, करीब 10,000 से अधिक किलोमीटर की यात्रा इनकी तय हो चुकी है। कहीं ना कहीं युवाओं के लिए महाराज जी आपका क्या संदेश रहेगा, जैसे आपने बताया कि युवा व जो युवा आप भी युवा हैं, तो युवा वर्ग के लिए आपका क्या संदेश है गौ माता को संरक्षण को लेकर? मैं आपको बताना चाहूँगा, अभी कुछ वक्त पहले एक गौ माता में बीमारी आई थी जिसका नाम था लंपी, उस वक्त भी हमारे देश के नौजवान युवाओं ने गौ माता की इतनी सेवा की जितना हम सोच भी नहीं सकते जी।
मतलब दिन में जॉब करते, रात को सोने का टाइम भी नहीं है, लेकिन गौ माता का कहीं से भी उनके पास में फ़ोन आ जाता कि गौ माता बीमार हैं, तो सभी युवा साथी जितने भी थे सभी ने बहुत अच्छी अपने स्तर पर सेवा की है। और कुछ एक जैसे यात्रा के दौरान मुझे युवा साथी मिले जो डेयरी का काम करते हैं जी। और आपको पता होगा डेयरी में लोग बाग दूध अधिक हो उसके लिए HF जो अमेरिकन बोलते हैं अपन, अमेरिकन गायों को रखते हैं वहाँ पे। और जब धीरे धीरे जब युवाओं को ये चीज़ समझ में आ रही है तो उनको वो हटा के वहाँ पे अपने डेयरी फार्म में देसी गोवंश को बढ़ावा दे रहे हैं। उसके बाद में जैसे कि डिप्लोमा वगैरह कोर्स करते हैं जी। तो अब युवा गौ माता के प्रति जो पंचगव्य प्रोडक्ट बनते हैं पंचगव्य से जी। उसका एक कोर्स कर रहे हैं जो एक एक साल के डिप्लोमा होते हैं, तो युवा उसमें भी भागीदारी निभा रहे हैं। उसके अलावा जितने भी अपन प्रोडक्ट घर पे यूज़ करते हैं, साबुन हो, सर्फ हो, डिटर्जेंट पाउडर वगैरह हो, वो गौ माता के पंचगव्य से निर्मित प्रोडक्ट है, वो भी मार्केट में अवेलेबल है। तो युवा चाहे तो उन प्रोडक्ट को अधिक से अधिक बढ़ावा दें ताकि लोग गौ माता को संरक्षण प्रदान करें जी। और युवा जितने भी हैं, अगर युवा देश के युवा जाग गए तो सरकार को मजबूर होकर गौ माता के खिलाफ कानून बनाना पड़ेगा जिससे गौ माता की रक्षा हो सके। और यात्रा के दौरान बहुत ऐसे मुझे युवक मिले जो कि गौ रक्षा करते हैं और देखा जाए असली मायने में तो गौ माता की सेवा वो ही करते हैं। जब गौवंश कटने के लिए जाते हैं तो वो अपनी जान की परवाह किए बिना गौ माता को बचाने के लिए अपनी गाड़ियाँ उनके पीछे लगा देते हैं और उनको बचा के ही लाते हैं। मामले अखबारों में देखने को मिलते हैं, युवा लोग जाते हैं, अखबारों में देखा और मैंने यात्रा के दौरान फेस टू फेस भी ऐसे देखे हैं मुद्दे जी। तो युवा बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन मैं सभी से चाहूँगा कि ये जो काम है इसको थोड़ा सा गति दी जाए। कुछ एक ऐसा देखने को मिलते हैं कि जब इलेक्शन आते हैं तो कुछ एक लोग चुनाव के कारण गौ माता की सेवा में ज़्यादा लग जाते हैं, तो उनसे मेरा हाथ जोड़ के आग्रह है कि गौ माता को आप वोट के लिए या राजनीति के लिए उपयोग में ना लाएं, क्योंकि ये एक धर्म का विषय है, इसको आप राजनीति से अलग रखें। गौ माता है उनकी आप सेवा कीजिए, लेकिन सिर्फ दिखावे के तौर पर नहीं कि लोग हमें वोट देंगे तो हम गौ माता की सेवा करेंगे, क्योंकि मैंने काफ़ी लोगों को ऐसा देखा है कि वो क्या करते हैं, अपना जो वार्ड है निर्धारित है कि मेरे को इसी वार्ड से इलेक्शन लड़ना है जी। और यहीं से मुझे वोट मिलेंगे, तो यदि उसी वार्ड में कोई गौ माता का कोई ऐसा केस है तो वो उसी जगह ही मतलब गौ माता की सेवा करेंगे, या फिर कहीं दान देना है गौ माता के लिए तो उसी जगह जो गौशाला जो उसके वार्ड में आती है उसी जगह वो दान देगा ताकि लोगों की नज़रों में वो थोड़ा पॉपुलर हो सके कि ये गौ सेवा करते हैं जी। तो ऐसा जो षड्यंत्र करते हैं गौ माता के सामने लेके, तो ऐसी प्लीज़ आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है गौ माता को इन चीज़ों से दूर रखें। यदि आप सेवा करते हैं तो आप ज़रूरी नहीं आपकी घर की गाय हो या आपकी कॉलोनी की गाय हो, वही है पूरे देश की जो गौ माता वो आपकी माता है, तो उसको अपना माने आप। कहीं ना कहीं महाराज जी ने ये बताया कि आज की जो भारतवर्ष के युवा लोग हैं उनसे ये उन्होंने अपील की है और कि ज़्यादा से ज़्यादा गौ माता को संरक्षण करें, उसकी सेवा करें। वहीं राजनीतिक और धार्मिक तौर पर भी देखी जाए तो गौ माता को कहीं ना कहीं एक मुद्दा बनाया जाता है, तो ये भी महाराज ने अपील की कि तो तमाम जो राजनेता है गौ माता को मुद्दा ना बनाएं और उसकी एक निस्वार्थ भाव से उसकी सेवा करें तो गौ माता को एक राष्ट्रीय माता के रूप में दर्जा दिया जा सकता है। कृष्णाराम, BNC न्यूज़, बोरुंदा।